अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शंस। पिछली वीडियो में मैंने रेशो के बारे में बताया था। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं प्रोपोर्शंस के बारे में बताऊंगा। रेशो और प्रोपोर्शन दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, टेस्ट, जॉब टेस्ट वगैरह के हवाले से। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में हम क्लियर करते हैं प्रोपोर्शंस को कि प्रोपोर्शंस है क्या। प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन इन विच टू रेशोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर। यानी प्रोपोर्शन एक इक्वेशन है, असल में ये एक इक्वेशन है जिसमें हम दो रेशोज को एक दूसरे के इक्वल सेट करते हैं। ठीक है, सही है। यानी The equality of two ratio is called proportion. यानी दो रेशो अगर आपस में इक्वल हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। यानी रेशो कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, रेशो कंपेरिजन है दो क्वांटिटीज का। ठीक है, सेम यूनिट वाले क्वांटिटीज या एक जैसे क्वांटिटीज का कंपेरिजन है रेशो। जबकि प्रोपोर्शन जो है वो कंपेरिजन ऑफ टू रेशोज, प्रोपोर्शन जो है वो कंपैरिजन है दो रेशो के। अब चलते हैं एग्जांपल की जानिब ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। अब देखें, एक साइड पे हमारे पास चार बॉल्स हैं और दूसरे साइड पे हमारे पास एट बॉल्स। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो है इन चार बॉल्स का वेट जो है वो है 10 kg। एक जैसे बॉल्स है, साइज में भी कलर में भी एक जैसे बॉल्स है। चार बॉल्स का जो वेट है वो है 10 kg और एट बॉल का वेट है 20 kg। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको सॉल्व करने का तरीका हमने कैसे करना है कि हम लिख लेंगे बॉल्स और दूसरे साइड पे लिखेंगे वेट। ठीक है, अब देख लें, चार बॉल्स हैं। ठीक है, उसका वेट कितना है 10 kg। ठीक, एट बॉल्स हैं, उसका वेट है 20 kg। अब यहां पे मैं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का नहीं बता रहा, सीधा सीधा डायरेक्ट ही प्रोपोर्शनलिटी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेशो लेनी है किन किन चीजों के बारे में, किन किन चीजों के माबेन। अब रेशो लेते हैं हम हमेशा एक जैसे चीजों के दरमियान, यानी बॉल्स का बॉल्स के साथ रेशो लेंगे। ठीक है, और वेट का वेट के साथ रेशो लेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे, अब देखें, बॉल्स का बॉल्स के साथ रेशो लेंगे 4:8। ठीक है, और वेट का वेट के साथ रेशो 10 kg रेशो 20 kg। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है, इक्वल लेना है या इक्वल सेट करना है। या तो हम इक्वलिटी की साइन लगा लेंगे या फिर हम प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगा लें, जिसका मतलब भी इक्वलिटी है। टू कॉलम्स जो हैं, ये जो हैं, ये लामत, ये सिंबल है किस चीज का, प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है, अच्छा, अब देखें यहां पे हम दो प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं। या तो हम रेशो इस तरह लेते हैं 4:8, या फिर डिवीजन के लिहाज से लेते हैं। कैसे, हम इस तरह भी ले सकते हैं 4:8, इसकी जगह इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं और इसी के दरमियान भी डिवीजन ले लेते हैं 10/20। इस तरह भी ले सकते हैं, मैंने रेशो में बताया था। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, दोनों तरीकों से सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को इंशाल्लाह पूरे का पूरा समझ आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब यहां पे एक बात समझ लें कि ये जो बाहर वाले जो वो होंगे क्वांटिटीज होंगी, ठीक है, बाहर वाली, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम्स
ठीक। और जो अंदर वाली जो क्वांटिटीज होगी हम उसको कहेंगे मीन्स। ठीक, ये हो गया एक्सट्रीम, ये हो गया मीन्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ जर्ब करते हैं और इक्वल टू लेते हैं मीन को मीन के साथ जर्ब, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन के। ये हमारे पास एक समझे के फार्मूला है, यानी प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मीन्स। ठीक है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हमारे पास एक वैल्यू इसमें से मौजूद ना हो तो वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसमें भी हम ये कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम, ठीक है, यानी इसको इसके साथ जरब कर लेंगे, इसको इसके साथ जरब कर लेंगे। 4 × 20 इज इक्वल टू 10 × 10 × 8। इसमें भी यही होगा, 4 × 20 एक्सट्रीम है इज इक्वल टू 8 × 10 या 10 × 8। ठीक है, ये तो ये हो गया। इसको जब हमारे पास एक वैल्यू जब मौजूद ना हो तो वो हम फाइंड करेंगे। अब देखें, पहले तो ये देखेंगे कि ये दोनों प्रोपोर्शनल हैं कि नहीं। ठीक है, इससे फाइंड कर लें, इससे फाइंड कर लें, दोनों का एक ही आंसर आएगा। अब दोनों को ये कर लें, डिवाइड कर लें एक ही नंबर पे। देखें 4:8 प्रोपोर्शनल है 10 kg / 20 kg। अब इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये क्या आएगा, 2, इसको भी 2 पे डिवाइड करने आएगा क्या 4। फिर इसको 2 पे कर लें तो ये 1, ये आएगा 2। इससे तो आता है 1:2। और ये जो है ये दोनों 10 पे डिवाइड होते हैं तो ये 10 पे डिवाइड करने से 1 और ये 10 पे डिवाइड करने से 2, तो इसका भी रेशो आएगा 1:2। यानी नंबर्स को ना देखें, रेशो को देखें, दोनों का क्या है, रेशो एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने जान लिया कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर इसमें हम देख लें तो ये है 4/8 इज इक्वल टू 10/20। तो इसका क्या है, 4 पे डिवाइड कर लें दोनों को, 4 पे डिवाइड करने से 4 को तो 1 आता है, 8 को डिवाइड करने से 2 आता है, तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको 10 पे डिवाइड कर लें तो ये 1, इसको 2 पे डिवाइड कर लें तो ये 2, ये भी आएगा 1/2। इससे भी वही सेम आंसर आएगा। मैं दोनों तरीके इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको दोनों तरीके आसानी से समझ आ जाए। यानी ये क्या है दोनों, यानी ये जो हमारे पास जो रेशोस थे वो क्या थे, प्रोपोर्शनल थे, इक्वल थे एक दूसरे के, यानी इनके बीच प्रोपोर्शनलिटी थी। हाँ, अगर कोई ऐसे कोई एग्जांपल्स भी हैं जहां पे रेशो के दरमियान प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती तो हम उसको कहें कि ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी के दो टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। एक टाइप है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, और एक है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब दोनों को इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसका दोनों का मतलब क्या है, और इंशाल्लाह ये दोनों जो टाइप्स हैं इसके साथ मैं एग्जांपल भी सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को प्रोपोर्शनलिटी की पूरी समझ इंशाल्लाह आ जाए, और दोनों तरीके से इंशाल्लाह डिवीजन के तरीके से और ये एक्सट्रीम और मीन के तरीके दोनों से ही इंशाल्लाह सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलिए
चलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की तरफ। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो कि टाइप है प्रोपोर्शंस का। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इफ टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर दैट मींस दैट हैज द वन क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज द अदर क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सिमिलर वे। यानी इसका मतलब क्या है, इसको मैं आसान करके समझाता हूं कि अगर दो रेशोज के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो, तो अगर एक क्वांटिटीज जो है वो बढ़ती है, दो क्वांटिटीज के दरमियान अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हो तो अगर एक क्वांटिटीज बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसी तरह बढ़ेगी। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी दुगुना होती है तो दूसरी भी दो गुना बढ़ेगी। ठीक है, हाँ अगर एक क्वांटिटी दो गुना गिरती है तो दूसरी भी दो गुना गिरेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट, यानी एक के बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ता है और एक को घटाने से दूसरा भी घटता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। द रेशियो ऑफ टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज इज इक्वल टू क्वांटिटीज द रेशियो ऑफ टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज। अब देखें रेशियो क्या कहते हैं डिवीजन को। फर्ज करें हमारे पास एक क्वांटिटी है ए, ठीक है, और एक है बी। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को हम इस साइन से जाहिर करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों क्वांटिटीज का क्या है, रेशो जो है वो क्या होगा, रेशो यानी डिवीजन जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट यानी के बराबर होगा। कैसे, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम इक्वेलिटी साइन से खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू यहां पे हम लगा लेंगे कांस्टेंट। ये तरीका है प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने, प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वेशन इक्वेलिटी साइन में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा। अब यहां से हमने क्या, बी को बोथ साइड डिवाइड कर लें, यहां से बी बी कट जाएगा, यानी ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू के। यानी यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो तो उन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट के बराबर होगा। अब इंशाल्लाह चलते हैं हम एग्जांपल की जानिब, ताकि आप लोगों को डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी की पूरी समझ आ सके। अब है एग्जांपल, एग्जांपल को समझे अच्छी तरीके से। इफ 25 केजी ऑफ राइस कॉस्ट आरएस 250, ठीक है, 25 किलो चावल की कीमत है 250 रुपए। ठीक है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 45 केजी राइस, तो कॉस्ट मालूम करें 45 केजी का। तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं दोनों तरीके से इंशाल्लाह करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों तरीके आसानी से समझ आ सके। कैसे करेंगे, अब यहां पे कर लेंगे हम एक काम, तो हम दोनों के लिए करते हैं। ठीक है, वो है हम यहां पे लिख लेंगे वेट और दूसरा है हमारे पास कॉस्ट। ठीक, अच्छा अब देख लें, जब हमारे पास 25 केजी हो, यानी वेट हमारे पास 25 केजी हो रहा है इसका, सॉरी 25 केजी, ठीक है, और इसकी प्राइस भी हमारे पास कितनी होगी, 250। ठीक, कॉस्ट हमारे पास क्या होगी, 250। अच्छा, अगर वेट हमारे पास क्या हो, 45 केजी हो, ठीक है, तो प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है, यानी इसकी जगह हम एक्स लिख लेंगे, क्योंकि हमने ये, हम लोगों ने ये इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें, अब यहां पे देख लें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कैसी है। अब देखें 25 केजी, ठीक है, 25 केजी से ये बढ़ के हमें दिया गया है 45 केजी, यानी ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी जिस तरफ बढ़ रहा है तो एरो साइड बढ़ाने वाली साइड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब कॉस्ट में देख लें, जाहिर सी बात है कि 25 किलो का जो कीमत, 25 किलो की जो कीमत है वो 250 है, तो 45 किलो की कीमत क्या होगी, जाहिर बात है ज्यादा होगी, यानी ये भी इस तरह बढ़ेगी। यानी जब वेट बढ़ता है तो कॉस्ट भी जाहिर है बढ़ेगी,
यही तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यही तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ेगी। हाँ, जब एक क्वांटिटी 45 से 25 में जाएगी तो उसका भी कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है। मैंने पहले बताया कि रेशियो जो हम लेते हैं दो एक जैसी क्वांटिटीज के दरमियान लेते हैं, यानी वेट का वेट के साथ लेंगे, कॉस्ट और कॉस्ट के साथ लेंगे, और दोनों को फिर प्रोपोर्शनल, दोनों को एक दूसरे के प्रोपोर्शनल करेंगे या इक्वल करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अब यहां पे हमने करना क्या है, अब यहां जो टेल है एरो का, ठीक है, उससे शुरू करेंगे 25:45। ठीक है, ये तो वेट का वेट के साथ, ये तो एक रेशो हो गई। अब दूसरी रेशो जो हमने कंपेयर करनी है, ठीक है, वो कौन सी होगी, वो भी इस तरह हम करेंगे कि टेल से शुरू करेंगे और हेड तक आएंगे, यानी 250:x। दोनों क्या है, कॉस्ट है, ये दोनों क्या है, वेट है, दोनों को हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन के में कंपेयर किया। अब वही तरीका हम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, एक्सट्रीम मल्टीप्लाई एक्सट्रीम और मीन मल्टीप्लाई मीन, मीन को मीन के साथ, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कैसे होगा, 25:x इज इक्वल टू क्या होगा, 45:250, यही आएगा। ठीक है, अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें ये कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो 25 पे बोथ साइड को डिवाइड कर लेंगे, ये 25, ये 25 यहां से कट जाएगा, ये 25 यहां पे डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखें ये 25 पे डिवाइड होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, तो ये 25 पे कर लें, 25 को 25 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा, 250 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, अब 10 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी 450, ये आएगी हमारे पास x की वैल्यू। यानी देखें, जब राइस जो थी वो जब 25 किलोग्राम थी तो उसकी कीमत थी 250 रुपये। ठीक है, जब 45 किलोग्राम होगी तो उसकी कीमत क्या होगी, 450 रुपये। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, इसलिए जब वेट बढ़ गया तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। ठीक है, हाँ, अगर डिवीजन के तरीके से करेंगे तो इन दोनों के दरमियान आपस में डिवाइड कर लें, टेल से शुरू करें तो ऊपर टेल वाला लिखेंगे, नीचे हेड वाला, इस तरह आएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू की साइन, यहां पे कॉस्ट भी इस तरह कर लेंगे, टेल से शुरू करके हेड टेल ऊपर लिखेंगे, हेड वाले को नीचे। ठीक है, इस तरह आएंगे टेल से हेड तक, टेल से हेड तक। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां पे मैंने कहा था कि यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 25:x इज इक्वल टू 45:250। अब हमने यहां पे x निकालना है, 25 को दोनों साइड डिवाइड कर लें, x की वैल्यू ये होगी। अब यहां पे 25 को 25 को 25 पे डिवाइड होते हैं, ये 25 पे डिवाइड करने से 1 आएगा, ये 25 पे डिवाइड करने से 10 आएगा, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इज इक्वल टू 450। दोनों से एक जैसा आंसर आ गया। जो से भी तरीके से आपने करना है, लेकिन पहले प्रोसीजर ये कर लें ताकि आप लोगों को आसानी रहे और ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए कि ये कौन सी प्रोपोर्शनलिटी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है या इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। अब दोस्तों जाते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की। दोस्तों अब है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन इज दी व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, these two quantities are said to be inversely proportional। यानी जब दो quantities inversely proportional होगी, जब एक quantity बढ़ेगी और दूसरी घटेगी, जब एक को हम बढ़ाएंगे और दूसरी खुद बखुद घटेगी, या एक घटेगी दूसरी बढ़ेगी, तो इसको हम कहते हैं inversely proportional। इनवर्स यानी उलट होंगी एक दूसरे की, एक के बढ़ने से दूसरी घटेगी और एक के घटने से दूसरी बढ़ेगी। ठीक है, अब है द प्रोडक्ट ऑफ टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमारे पास क्या था, जब दो क्वांटिटीज का रेशियो जो था वो हमारे पास कॉन्स्टेंट के बराबर होता है, यहां पे
दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो क्वांटिटीज ए और बी, दोनों क्या है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन को हम इस तरह लिखते हैं, वन बाई बी, ठीक है। अब क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करने के लिए इक्वलिटी साइन लगाएंगे और साथ में हम एक कांस्टेंट भी लगा लेते हैं, तो ये क्या होगा इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहां पे दोनों साइड बी को मल्टीप्लाई कर लें, यहां भी बी को, ये बी कट जाएगा, क्या होगा ए क्रॉस बी या ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट के। यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या होता है, दोनों जो क्वांटिटीज जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो जो क्वांटिटी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपस में उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो के बराबर होता है। अब चलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन के एग्जाम्पल की जानिब, आप लोगों को इंशाल्लाह इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास, इट्स टेक फोर मैन 10 डेज टू बिल्ड अ ब्रिक वॉल, हाउ मच डेज विल इट टेक 20 मैन। अच्छा कहते हैं कि एक चार बंदे 10 दिन लेते हैं एक ईंटों का दीवार बनाने के लिए, चार बंदे 10 दिन लेते हैं एक ईंटों का दीवार बनाने के लिए, जबकि 20 जब हम बंद को बढ़ाते हैं यानी 20 करते हैं तो कितने दिन लगेंगे। तो यहां पे हमारे पास दो ही क्या है क्वांटिटीज या क्वांटिटीज हैं, जी बिल्कुल, एक है मैन और एक है डेज। तो क्या कर लेंगे हम मैन और क्या कर लेंगे डेज, ठीक है। अब देखते हैं कि जब बंदे हमारे पास पहले चार हो, ठीक, तो दिन कितने लगते हैं 10, सही है। अच्छा जब बंदे हमारे पास 20 हो, जब बंदों को हम बढ़ाते हैं तो दिन कितने लगेंगे वो ना मालूम है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको मैं दोनों तरीके से करूंगा, वो एक्सट्रीम और मीन यानी प्रोपोर्शनलिटी की और एक डिवीजन की तरीके से भी, दोनों का रिजल्ट इंशाल्लाह सेम आएगा, आप लोग देखते जाएं दोनों तरीके सीखते जाएं, ठीक है। अब मैंने कहा था कि रेशो जो होता है वो दोनों वो एक जैसे क्या होते हैं क्वांटिटीज के दरमियान लिया जाता है, तो एक रेशो तो हमारे पास ये हो गई मेंस के दरमियान और दूसरी रेशो जो होगी वो हमारे पास क्या होगी डेज के दरमियान होगी, ठीक है। और दोनों को फिर हम कंपेयर करेंगे, तो इसको तो हम प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं जब दोनों रेशो को आपस में कंपेयर करते हैं। अच्छा अब देखते हैं यहां पे कि ये भी देखना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देखें बंदे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं यानी इस तरफ से बढ़ रहे हैं, यानी एरो हेड क्या करना है बड़े जो साइज जिस तरफ साइज बढ़ता है वहां पे हमने लगाना है, ठीक है। अब यहां पे आम फहम की बात है कि जब बंदे कम हो तो टाइम ज्यादा लगता है, दिन ज्यादा लगते हैं, जब बंदे ज्यादा हो तो दिन क्या होंगे कम लगेंगे, यानी एक्स जो होगा वो कम आएगा 10 से, यानी एक्स कम होगा और 10 ज्यादा होगा, तो ये उल्टा होगा। और देखे जब दोनों एरोज के डायरेक्शन उल्टे हो तो ये समझ लें कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं दोनों तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि एरो के टेल से शुरू करना है, ठीक है, तो 4:20 एक रेशो तो ये हो गई, ठीक है, और दूसरी रेशो जो की होगी फिर यहां से टेल से शुरू करके हेड तक जाएंगे तो वो हो गई एक्स रेशो 10। अब दोनों को कंपेयर कर लें प्रोपोर्शनलिटी साइन से, यहां पे क्या कर लें टेल को, टेल वाले को हम क्या कर लेंगे नॉमिनेटर कर लें और हेड वाले को डिनोमिनेटर करते हैं, इस तरह करते हैं 4/20, बीच में इक्वलिटी का साइन, और यहां पे क्या होगा टेल वाले को क्या नॉमिनेटर और हेड वाले को डिनोमिनेटर, इस तरह x/10, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहां पे क्या कर लें एक्सट्रीम को एक्सट्रीम के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और मीन को मीन के साथ मल्टीप्लाई कर लें और दोनों को दोनों का प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल होता है, तो कैसे करेंगे
फोर मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है। अब इन दोनों मल्टीप्लाई करने आता है 40, ठीक है, ये आता है 20 एक्स। अब यहां पे हमने सिर्फ एक्स को छोड़ना है, तो इसलिए 20 को बोथ साइड डिवाइड कर लें, तो ये यहां से 20 कट जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। दोनों को 20 पे डिवाइड कर लें तो ये है, अगर ये 20 पे डिवाइड करते हैं तो ये 1 आता है, ये 20 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, 2 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ये देखें दोस्तों, जब बंदे 4 थे तो दिन 10 लगे, जब बंदे 20 हो गए तो दिन कितने लगेंगे, 2। यानी 2 दिन में वही दीवार 20 बंदे बनाएंगे जो 4 बंदे 10 दिन में बना रहे थे। अच्छा, अब इसमें करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, यही इसी तरह आएगा, ठीक है, और x को मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, 20 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, ये आएगा 40 और ये आएगा 20 एक्स। यहां पे हमने सिर्फ x को छोड़ना है क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 20 पे डिवाइड कर लें बोथ साइड। अब ये 20 पे दोनों डिवाइड होते हैं, 20 पे इसको 20 को डिवाइड करें तो 1, 40 को डिवाइड करें तो 2, तो x की वैल्यू आती है 2। दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो दोस्तों असल में ये है हमारे पास क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रोपोर्शनलिटी मैंने बता दिया, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनलिटी और रेशो दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक हैं, दोनों को समझें। रेशो की वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी समझें, और इंशाल्लाह आप लोगों को कभी भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोपोर्शनल और रेशो की टेंशन नहीं रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।